अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज एक और शो के साथ मैं हाजिर हूँ, मीट एन इंडियन के साथ। आज हमारे साथ संजय भाई हैं लव कमांडो से, जो कि इंडिया के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग काम करते हैं। आए इनसे मुलाकात करते हैं। वेलकम टू आज के शो ऑफ मीट एन इंडियन। नमस्कार संजय भाई, कैसे हैं आप? संजय भाई, आवाज आ रही है? चलो भाई, जी संजय भाई, आवाज आ रही है? संजय भाई डिस्कनेक्ट हो गए, अभी दोबारा आते हैं तो फिर उनसे बात करते हैं। ये जो शो है मीट एन इंडियन, इसका मकसद ये है कि हम इंडिया जा नहीं सकते, इंडियन पाकिस्तान आ नहीं सकते, तो हम वहाँ के उनके रहन सहन, उनके तरीके को जान सकें, उनसे दोस्ती कर सकें, अपने जो हमारे भाई हैं उधर, बहनें हैं उधर रहती हैं, उनसे हलवाई कर सकें और उनसे कनेक्टेड रह सकें, और जब भी हमें कोई शिकायत हो उनसे किसी किस्म की, तो हम उनसे डायरेक्ट बात कर सकें। तो इसी तरह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि और भी कोई हिंदुस्तानियों को जानते हो आप, तो मुझसे ज़रूर कनेक्ट करें, जिनके साथ मैं ये इंटरव्यूज कर सकूँ। वेलकम जी संजय भाई, कैसे हैं आप? दुआ है रेहान भाई आपकी, और लगातार आपके सहयोग से दुनिया भर के लोगों से अमन की बात करने का, प्यार की बात करने का मौका मिलता जा रहा है इतने दिनों से, और आज आपसे मिल रहा है। शुक्रिया बहुत बहुत संजय भाई, टाइम देने के लिए, बात करने के लिए, मोहब्बत बांटने के लिए। अपना तारुफ कराइए, कहाँ रहते हैं, क्या पढ़ाई करी, क्या काम करे, सारे बाल कहाँ घुमा के आ गए आप? मेरा नाम संजय सचदेव है, दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा हूँ, स्टूडेंट लीडर रहा, यूथ लीडर रहा, सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट्स में रहा, और आज एक तंजीम जो काम करती है ऑनर किलिंग से, ऑनर वायलेंस से लोगों की जान बचाने का, 24 घंटे जो काम करती है, वो तंजीम जो पिछले 10 सालों में 50,000 से ज्यादा प्रेमी जोड़ों की जान बचा चुकी है, जिसका नाम है लव कमांडोस, मैं उसका सदर। तो जर्नी भी तो बताइए कि प्रेम लव कमांडो से पहले, प्रेमी कमांडो से पहले आप कौन से कमांडो रह चुके हैं? मैंने आपको बताया कि मैं जर्नलिस्ट हूं पेशे से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं, और कौन कौन से कमांडो की बात जब करते हैं, तो लव कमांडो शुरू करने से 10 साल पहले हम लोग वेलेंटाइन डे के आसपास, हम लोग एक ग्रुप के रूप में वेलेंटाइन पीस कमांडोज के रूप में काम करते थे, और वो 15 दिन, फरवरी के जो पहले 15 दिन हैं, उन नौजवान जोड़ों की मदद करते थे या उनको उस वायलेंस से बचाते थे जिन पे फंडामेंटलिस्ट अटैक करते। हमारा मानना था कि वेलेंटाइन डे एक ऐसा त्योहार है जिसे नौजवान, इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, इंग्लैंड का हो, अमेरिका का हो, दुनिया के किसी हिस्से का हो, नौजवान हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लड़का हो, लड़की हो, वो सब एक त्योहार के रूप में मनाते हैं, दिल से मनाते हैं, उनको लगता है वेलेंटाइन डे आ रहा, तो इसका मतलब एक ऐसा त्योहार है दुनिया का जो किसी बाउंड्रीज को नहीं मानता, जो किसी नफरत को नहीं मानता, जो प्यार को मानता है, प्यार का त्योहार है, तो इसलिए हमने इस त्योहार का विरोध करने वालों का विरोध करने का फैसला किया, और पीसफुल तरीके से उसमें कामयाब भी रहे।
शुरुआती सालों में पुलिस समझती थी हम कोई तमाशा कर रहे हैं, हमें पकड़ लिया, कस्टडी में रख लिया। लेकिन 2006 2007 आते आते पुलिस को लगा कि ये काम तो हमें करना चाहिए जो ये लोग कर रहे हैं। फिर फाइनली पुलिस भी जुटी नौजवानों की मदद के लिए, भाई जो लोग पीसफुली वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, हंसी खुशी मना रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, ये उनका राइट है। वो हमारा एक आगे बढ़ता हुआ कदम था। उसी में चलते हुए आया सन 2010। 2010 में हमारे मौजूदा जो कमांडो कोऑर्डिनेटर हैं सोनू रांगी, उनके पास में कोई व्यक्ति आए जिनका बेटा एक रेप केस में जेल में, उन्होंने मदद मांगी। हमने कहा कागज दिखाओ। कागज देखे तो हम हैरान कि इस बच्ची ने पुलिस को, डॉक्टर को, अदालत में तीनों जगह बयान दिया कि मैं मेजर हूं और मैंने रजामंदी से ये रिश्ता बनाया है। तो पता नहीं कई महीनों से उसे कैसे पुलिस ने और अदालतों ने जेल में रखा। हमने तय किया कि हम इसकी लड़ाई ले लेंगे। हमने अपने वकील की मार्फत बेल की एप्लीकेशन मूव की और अगले दिन वो मामला सेशन के सपुर्द किया जा रहा था। जब सुनवाई का टाइम आया तो हमारे वकील साहब कहीं ट्रैफिक जाम में फंस गए थे। मैंने अदालत से परमिशन मांगी कि मैं आर्गू करूं। मैंने किया। मेरिट की बात थी, पॉइंट की बात थी, लॉ की बात थी, अदालत ने सुना, उस लड़के की बेल हो गई और आज वो दोनों मियां बीवी अपने बच्चों के साथ खुश 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 रह रहे हैं। जब कोर्ट रूम से बाहर निकले तो हमारे वकील साथियों ने हमसे सवाल किया कि इतनी खबरें आ रही हैं कि सो कॉल्ड ऑनर के नाम पे लोगों की जान जा रही है, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, मार दिया जा रहा है और ना जाने क्या क्या वायलेंस हो रहा है, तो आप लोग क्या साथ में 15 दिन शोर मचाने के लिए हो? ये भी तो वही प्रेमी जोड़े हैं जो कहीं ना कहीं वैलेंटाइन डे मनाते हैं, इनके लिए बात क्यों नहीं करते? हमने कहा बात तो ठीक है। तो वहां से लौटने के बाद शाम को हम तमाम साथी बैठे इसी पे चर्चा कर रहे थे। इतने में हमारे एक साथी दोस्त राजीव त्यागी का फोन आया। उनका भी ऐसा ही मिलता जुलता सवाल था कि आप उस वक्त ये करते हो, अब क्या कोई प्लान है? मैंने कहा हाँ, एक हेल्पलाइन शुरू करने जा रहे हैं, एक हेल्पलाइन खड़ी करने जा रहे हैं। अब उन्होंने कहा नंबर क्या होगा? तो मैंने बोला नंबर होगा 9313784375। उनका नाम क्या होगा? मैं सोच ही रहा था तो हमारे साथी जो वर्ल्ड नोन फिगर ऑफ लव हैं, अपनी ही पत्नी से 6 बार शादी करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हर्ष मल्होत्रा, उन्होंने जो आज हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने मुझसे फोन लिया और बोला तब पीस कमांडो था, अब लव कमांडो होगा। ऑल ऑफ ए सडन कोई प्लानिंग नहीं, कोई तैयारी नहीं, कोई योजना नहीं, कोई धरातल पे ढांचा नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। और अगले दिन खबर छप गई। और खबर छपी क्या, वो सारे अखबार सारे टीवी चैनलों ने उठा ली। अब फोन की घंटी तब से जो बजनी शुरू हुई है बजे जा रही है। उसी दौर में जो हमें गांधी जी डॉट इन वाले, इन्होंने भी कांटेक्ट किया कि मैं वॉलंटियरली आपकी वेबसाइट बनाता हूँ, सोशल नेटवर्क, मतलब इस तरह। अब पूरे आज 16 से ज्यादा सूबों में हमारे स्टेट यूनिट हैं, बाकी ब्रांच यूनिट्स हैं, और ये तमाम वो लोग हैं जो ऑटोमेटिक एक के बाद एक अपने आप आगे जुड़ते चले गए और एक ढांचा खड़ा होता चला गया। आज 10 सालों में हम इस मुकाम पे आए हैं और अब आपकी जो मदद मिल रही है उससे हमारा मानना है कि लव बियॉन्ड बॉर्डर्स की बात, दिल से दिल की बात, पूरी दुनिया में प्यार और अमन की बात, क्योंकि लव और पीस दोनों को एग्जिस्टिंग है। ना तो बिना लव के पीस आएगा, ना बिना पीस के लव एग्जिस्ट करेगा, दोनों को एग्जिस्टिंग है। तो हम क्यों ना एक पहल करें? और हम आप जिस हिस्से से आते हैं, एशियंस, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, इस सब कॉन्टिनेंट की हालत यह है कि यहाँ के लोग, चाहे वो किसी मुल्क में गए हों, कनाडा गए हों, जर्मनी गए हों, इंग्लैंड गए हों, अमेरिका गए, अपने साथ एक बीमारी को ले गए जिसका नाम है ऑनर वायलेंस। ये बीमारी वहां भी ले जाके इन्होंने फैला दी। अब पूरी दुनिया में इस बीमारी की वजह से हम तमाम मुल्कों की निंदा होती है, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, भूटान हो, या इस बेल्ट की ओर में। हमारा आज ये मानना है कि एक जरूरत है नौजवानों को एक आवाज की, एक पहल की, एक अपने हकूक की लड़ाई लड़ने की, और उसमें हमें और आपको मिलके उनकी आवाज बनने में मदद करनी चाहिए।
अच्छा ये बताइए कि ये ऑनर किलिंग क्या होती है और ये क्यों होती है? पहले तो हम इसको ऑनर नहीं मानते, लेकिन चूंकि एक प्रचलित शब्द है इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ना जाने किस चीज का ऑनर होता है कि लड़का लड़की किसी का प्यार करने लग गए, किसी की जाति आ जाती है, कहीं भीड़ आ जाती है, कहीं पंचायत आ जाती है, कहीं कहीं पुलिस भी उनके साथ आ जाती है, ना जाने कौन कौन आ जाता है। और ये प्यार करने वाले जोड़ों को जान से मार डालते हैं, या वायलेंस होती है। बेटियां जो प्यार में पड़ती हैं, इश्क में पड़ती हैं, मोहब्बत में पड़ती हैं, उनकी एजुकेशन बंद कर दी जाती है, उनके एम्प्लॉयमेंट बंद कर दी जाती है, कम्युनिकेशन बंद कर दी जाती है, मोबाइल छीन लिए जाते हैं, लैपटॉप तोड़ दिए जाते हैं, मारा जाता है बुरी तरह से, जान से भी हाथ धो बैठते हैं लोग। और क्यों हो रहा है पता नहीं। दुनिया का कोई मजहब ना तो कत्ल करना सिखाता है, ना ही वायलेंस करना सिखाता है। दुनिया के तमाम मजहबों में जो बात है वो प्यार की है, प्रेम की है, लेकिन पता नहीं लोग कौन सी उनकी नाक है कि अगर लड़का लड़की चले गए और नाक कट जाएगी। मुझे तो आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसका बच्चा गया हो और उसने बाद में अपनी प्लास्टिक सर्जरी से नाक लगवाई हो, जैसी थी वैसी की वैसी नजर आती। और एक लफ्ज हमारे आपके मुल्कों में कहते हैं जी वो उसके बच्चे भाग गए। अरे भाई भागे, मिल्खा सिंह थे, पीटी उषा थे, क्या थे, किस स्पीड से भागे, कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, पता चलता भागा तो कोई है नहीं, कोई ना कोई इन सवारी से गए। और कहीं ना कहीं वो भागे नहीं होते, वो अपने प्यार को जो उनका हक है, जो इंटरनेशनल लॉ, जो इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के मुताबिक मैरिड बाई चॉइस का उनका राइट है, उस राइट को एक्सरसाइज करने के लिए गए हैं। क्योंकि तो आप लोग जो समाज के ठेकेदार बन रहे हैं, जो पेरेंट्स बन रहे हैं, जो खुद अपनी जवानी में कहाँ कहाँ घुमाते थे ये भूल जाते हैं, और बच्चों के टाइम पे कहते कि हम इनकी जान लेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्या करता, मेरा नाक कटा दिया, मेरे को समाज में जीने के लायक नहीं छोड़ा। अरे भाई जी रहे हो तुम और जीते जीते कह रहे हो जीने के लायक नहीं छोड़ा, कौन सी बात है, क्या कंट्राडिक्शन है। और ये सोच ये नहीं है कि यहाँ पे ही है या आपके वहां, कि तमाम इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक बीमारी की तरह फैले हुए। तो वो जो किलिंग होती है, वो जो वायलेंस होती है उस प्रेमी जोड़ों के खिलाफ, जो मॉब लिंचिंग होती है उनकी, उसे ऑनर किलिंग कहते हैं। तो संजय भाई, ये जो आपके पास जो ज़्यादा प्रेमी आते हैं, वो क्या हमारे यहाँ तो शिया सुन्नी शादी नहीं कर सकते, आपस में लड़ाई हो जाती है बहुत सारों में, हिंदू मुस्लिम तो यहाँ शादी कर नहीं सकता, अलाउड ही नहीं है बाय लॉ, क्रिश्चियन मुस्लिम भी शादी करते हैं तो वो भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं, तो किस किस्म के, ये मजहब वाले होते हैं या जाति वाले ज़्यादा होते हैं, ऊंची कास्ट वाला, लोअर कास्ट वाला, ये चक्कर ज़्यादा होते हैं, कौन से लोग ज़्यादा? देखिए सब तरह की बात है, जाति वाले भी हैं, मजहब वाले भी। जैसे आपने कहा शिया सुन्नी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके आइन की बात करें तो वहां कहीं रोक नहीं है, और दीन की भी बात करें तो दीन में भी कहीं रोक नहीं है, बराबर है। अब ये फिरके लोगों ने बना दिए कि जातियां ना तो भगवान ने बनाई, और ये शिया सुन्नी ये फिरके अल्लाह ने नहीं बनाए, ये लोगों ने बनाए, अपनी अपनी सोच है, उसमें कहीं ना कहीं कोई बरेलवी आ गया है तो कोई कुछ कोई आ गया। लेकिन सवाल ये क्या है, इंसान है ना, शादियां दो इंसानों में होनी, एक मेल एक फीमेल, और सृष्टि उसी से चलनी है। ये समझ से बाहर है कि दुनिया के बाकी लोग जरा अपने दिल पे हाथ रख के बोले, जो शिया है तो उसने कभी किसी सुन्नी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा जिंदगी में, तब तो मैं समझ जाऊं मौका कोई नहीं चूकेगा। लेकिन चूंकि पार नहीं पड़ती इसलिए बाकियों के ऊपर इल्जाम रखना, और यही हालत सुन्नी वाले को भी है, यही हालत यहाँ जाति वालों पे भी है। आपने क्रिश्चियन की बात की, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में चूंकि आपके वहां भी ऑलमोस्ट वही है ब्रिटिशर पीरियड से जो हमारे यहाँ है, कि दोनों में से एक का क्रिश्चियन होना जरूरी होता है, दोनों ने
हमारे यहाँ एक स्पेशल मैरिज एक्ट है, और स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी हो सकती है। इवन मैरिज विद लॉफुल कन्वर्जन हर जगह वैलिड है। और मेरा ये मानना है कि ये भी नौबत क्यों आए? क्या हमारी कहानियां, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास प्रेम से भरा हुआ नहीं है? क्या लैला मजनू, हीर रांझा, शीरी फरहाद, किस किस की कहानी नहीं है? बहुत कहानियां हैं, लेकिन सवाल जब अमल पे लाने की बात है, मुझे ये बताइए, आपके यहाँ की फिल्में हैं, यहाँ की भी फिल्में हैं, लोग देखते हैं, जब हीरो हीरोइन को कोई अलग कर रहा होता है या उनके बीच में कोई विलन आता है, तो हीरो हीरोइन को अलग करना किसी को पसंद नहीं आता। जब उनकी लड़की हीरोइन बनती है तो कहते हैं तेरी ऐसी गीत है। एक्शन वो पर्दे पे होता है, वो घर में होता, यही यहाँ, यही बांग्लादेश में, तमाम जगह। लेकिन ऐसे डबल स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग क्यों, किस लिए? ये एक बड़ा सवाल है। इसी मसले पे हम काम करते हैं, उन नौजवानों को मदद करने का। और हमारा मानना है यदि आप कोशिश करें, कुछ और लोग वहां पे आगे आए, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, या दुनिया का कोई और मुल्क हो, अगर तमाम जगह के नौजवान तय कर लेंगे कि हम तो प्यार करते हैं, लेकिन अब सिर्फ अपने प्यार तक लिमिटेड नहीं, हम बाकी प्यार करने वालों की भी मदद करेंगे, तो ये वायलेंस करने वाले अपनी बिलों में घुस जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत तमाम मुल्कों में। अब आज अभी का आप लेटेस्ट दीजिए, अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर का कर चल रहा है ना, उसमें गोरे काले सारे मिलके आ गए ना, तो एक जगह की स्टेट काउंसिल ने, सिटी काउंसिल ने तो पुलिस को ही खत्म करने का फैसला कर लिया। ये अभी कल की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं। जनता का दबाव बहुत बड़ी चीज है, और ये नौजवान यदि आगे आएंगे अपनी ताकत के साथ, तो आपके दबाव के आगे सरकारों को कोई नया काम भी नहीं करना, उनके पास कानून में पहले से ही प्रोविजन बने हुए हैं, चाहे वो आपके वहां की हो चाहे हमारे यहाँ की, सिर्फ उसको अमली जामा पहनाना है। क्योंकि किसी भी सरकारों की अमली जामा पहनाने की नीयत तब जागती है जब लोग, आवाम, बड़ी तरह से डिमांड करते हैं। जिनका हक है वो डिमांड ही नहीं कर रहे, तो सरकार बैठी है आराम से, बोले हमें क्या पड़ी है, हमारा वोट बैंक खरा। जब उसे दिखेगा ये नौजवान बड़ी ताकत में हमारा वोट बैंक हो गए, तो वो इनकी सुनेगी, हमारी सुनेगी, आपकी सुनेगी। ये है सूरत हाल। अच्छा संजय भाई, हमारे मुल्कों में दोनों, इंडिया हो पाकिस्तान हो, हम लोग जो है अपने बनाने वाले के, जिसको चाहे अल्लाह बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, कुछ गॉड बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, उसके लिए उसकी बात मानते नहीं है, लेकिन उसके लिए जान कटवा देते हैं। ये जो नाक का मसला है इतना ज़्यादा, ये क्या क्या मसला है? क्या मतलब हमारे लिए ये जो सो कॉल्ड इज्जत है, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? ये क्या वजह है? फिर वही सवाल आ गया, सो कॉल्ड इज्जत, पहले ये हो तो सही, कहीं एग्जिस्ट तो करती हो, आपके अपने ही जहन में आपकी वो इज्जत एग्जिस्ट कर रही है। जब आपने कहा भगवान की बात करें, तो दुनिया का पहला इंटरकास्ट लव कपल भगवान शिव और माँ पार्वती हुए। भगवान शिव ओघर यानी आज के शेड्यूल कास्ट, और माँ पार्वती ब्राह्मणी थी, तब तो लव कमांडोज भी नहीं था उनकी मदद करता। चले गए चले गए, निकलते चले गए, जिसे आज कहते भाग गए, जम्मू पार किया, उधमपुर पार किया, गुफा में रुके, आज वो तीर्थ है शिव खो। कोई ब्राह्मण इनके मंत्र पढ़ने को नहीं था, थोड़ा सा आगे गए, एक सरोवर में एक दूसरे को जंगली फूलों की माला पहनाई और पति पत्नी स्वीकार किया, और आज वो शिव के गण, बैल वगैरह जिनकी साथ में पूजा होती है, वो जंगली जानवर उसके विटनेस थे, उसके बाद वहीं से पहाड़ चले गए। और अगर आपकी तरफ चलें, तो जो कहानियां आती है लैला मजनू की या और लोगों की,
कितनी सारी कहानियां, भरे भरा पड़ा। वो भी प्रेमी थे, वो उस दिन से थे। हमारी शायरी, हमारी कविताएं सब भरी पड़ी हैं। लिटरेचर प्रेम कहानियों से भरा पड़ा है। फिल्में सिवाय प्रेम कहानी के कुछ और है ही नहीं। इज्जत कहाँ आ गई बीच में? कौन सी इज्जत है? अगर इनकी इतनी इज्जत की बात है तो फिर वो हीरो या हीरोइन को देखते ही मिलने क्यों भागते हैं इतनी तेजी से? इतना क्रेज क्यों रहता है इनको? तब वो इज्जत कहाँ जाती है? संजय भाई, आपका क्योंकि वो एक्सपीरियंस कहीं एग्जिस्ट, बहुत, वो इज्जत नाम की चीज कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। एक ख्याली पुलाव है, प्योर एक ख्याली पुलाव है। इसीलिए मैंने कहा ना कि ना तो किसी ने कहा इज्जत चली गई। अरे भाई, ना तो मैंने उस इज्जत को तेरे पास खड़े हुए पहले देखा, ना तेरे घर में रहते हुए, ना गए हुए देखा। कहाँ गई? कौन सी? आप अगर डिफाइन करना चाहें कि ये इज्जत क्या होती है, तो जरा इसको बताएं कि ये इज्जत क्या होती है, क्योंकि सारा जो फसाद है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, शिया, सुन्नी, ये सारी घूम फिर के एक ही जगह आती है, इज्जत, गाड़ी, पैसा, घूम फिर के सारी चीजें ये इज्जत से रिलेटेड आती है। इज्जत को मिट्टी में मिला दिया गया, तो इसको थोड़ा सा डिफाइन और करें कि ये क्या, कौन साहिबा हैं, कहाँ से तशरीफ लाई थी, इनका जन्म कहाँ हुआ, और ये कहाँ से हमारे बिरादरी में आके बस गई, हमारे दिमागों में आके बस गई, और ये कैसे, कहाँ, ये कैसे, क्या क्या हुआ, क्या ये कहाँ, इसकी हिस्ट्री क्या है? देखिए, जहां तक मुझे समझ में आया कि आपने कहा इज्जत मिट्टी में मिला थी, तो फिर अगर ये बात है तो भाई आपने ही सिखाया है, एक दिन मिट जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, दूजे के होठों को देकर अपने गीत। यही सिखाया है ना? यही सिखाया ना कि जिस तो माटी है इसी में मिल जाना। तो फिर इज्जत भी माटी में मिल गई तो क्या मिला? जहां तक सवाल इज्जत का है, ये मोहतरमा आज तक किसी ने देखी नहीं, खाली सुनी है कि कोई एक मोहतरमा है जिसका नाम इज्जत है। वो कहाँ बसती है? उस इज्जत के माँ बाप कौन है? वो कैसे पैदा हुई? कोई नहीं जानता। इसलिए मैंने कहा ये ख्याली पुलाव है। और मुझे ये बता दें, किसी धर्म की किताब में, किसी भी धर्म, किसी कानून की किताब में, पूरी दुनिया के कानून, कहीं ये मैडम इज्जत कहीं नजर आती हैं आपको? मुझे तो मिली नहीं। मैं बहुत जमाने से तलाश रहा हूं। जिस दिन अगर मुझे मिल गई तो मैं जरूर आपको बताऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अपनी उम्र में, अपनी जिंदगी में ये इज्जत मैडम कहीं मिलने वाली नहीं। ये डिफेमेशन के कोर्ट में केसेस हो जाते हैं कि जी हमको डिफेम कर दिया, या हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया, इन पे केस करना चाहते हैं। देखिए, जो डिफेमेशन का सवाल आता है वो फाइनेंशियल डिफेमेशन के ऊपर जाता है। वो 1 रुपए से शुरू होकर कितने तक जाता है, उसका जो है परसेंटेज सरकार वसूल लेती है। आप केस हारो या जीतो, वो तमाम मुल्कों की सरकारों का रेवेन्यू जनरेट करने का एक धंधा है। आपने डिफेमेशन का केस फाइल करना है तो जितने अमाउंट का कर रहे हैं पहले उसका इतना परसेंट आप जमा करा दीजिए। अब आपके हारे या जीते, और आमतौर से इन केसों में समझौते हो जाते हैं। हाँ, आपने जो पैसा दिया वो गया सरकार के खाते में। तो सरकारों का जनता से वसूलने का एक धंधा है, और उस डिफेमेशन को, क्रिमिनल डिफेमेशन को कानून में डिफाइन किया गया। उस क्रिमिनल डिफेमेशन की परिभाषा में भी कहीं किसी के बेटे का या किसी की बेटी का अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इस्तेमाल करते हुए शादी के लिए चले जाना, पूरी दुनिया के किसी ला में क्रिमिनल डिफेमेशन के अंदर डिफाइंड या मेंशन तक नहीं है। ठीक हो गया।
अच्छा जी, आपकी मुलाकात आमिर खान से हुई, उनके शो पे भी आप गए, उनको आपने रिक्वेस्ट नहीं करी कि यार ये स्टोरी इस तरह की बनाओ, फिल्में तुम तो बड़े मज़ेदार बनाते हो, ऐसी फिल्म बनाओ जिससे हमारे लोगों के अंदर ये मोहब्बत जागे, और ये जो आंटी इज्जत हैं उसके बारे में कोई मज़ेदार सी वो फिल्म बनाए, जैसे उन्होंने पीके बनाई या थ्री इडियट बनाई। हमारे रिक्वेस्ट करने का सवाल ही नहीं था। अब जितनी स्टोरियां आई हैं समेत उनकी खुद की निजी जिंदगी की स्टोरी से, सब में लव है या नहीं है? कौन सी ऐसी फिल्म है जिसमें लव का टच नहीं है? लव का, बिना लव के वो फिल्म कंप्लीट हुई हो, ऐसी कोई फिल्म आपने देखी है? कहीं ना कहीं कुछ है ना लव का एंगल, चूंकि जो आवाम है, पूरी दुनिया का आवाम इन फिल्मों में देखना ही लव चाहता है, क्योंकि लव दुनिया की भाषा है। हो सकता है एक बार एक भाषा का व्यक्ति दूसरे भाषा व्यक्ति की भाषा में बात ना कर सके, लेकिन एक्सप्रेशन ऑफ लव जो है वो एक दिल का निशान बताता बनाता है या बनाती है, तो दूसरे को समझ में आता है ये प्यार की बात है। तो एक्सप्रेशन ऑफ लव, लव तो पूरे वर्ल्ड की भाषा है, तमाम फिल्मों की भी भाषा है। और रहा सवाल आमिर खान का, उन्होंने सोशल काजेज पे फिल्में बनाई, किया काम, लेकिन हम जिस मसले को लेके गए थे, हमें पॉपुलैरिटी जरूर मिली उनके शो से, लेकिन फाइनेंशियल पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपके तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमें जरूरत है आपकी मदद की। कृपया हमारी वेबसाइट www.lovecommandos.org पे जाएं, पेपाल का बटन है, उसकी मार्फत आप हमें मदद कर सकते हैं। अगर आप मटेरियली मदद करना चाहते हैं तो कृपया हमें ईमेल करें, helpline@lovecommandos.org। हम चाहते हैं आप सबका मिशन बने। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। और आप में से हर एक का दिल दीवाना जरूर है या दीवानी जरूर है, तो जरा हिम्मत करिए पूरी दुनिया के दीवाने दीवानियों को एक करने के लिए, इश्क इनकलाब लाने के लिए। क्योंकि आज दुनिया को इसी इनकलाब की जरूरत है। आज दुनिया देख रही है बाकी तमाम चीजें बेमानी हो गई, और आज जो ये कोरोना का वक्त गुजर रहा है, इसमें एक लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, फिजिकल डिस्टेंसिंग। ये आप सोशल डिस्टेंसिंग पता नहीं किसने इजाद किया इस लफ्ज को, मुझे लगता है जैसे किसी ने उस इज्जत लफ्ज का इजाद किया था, ऐसे किसी ने ये भी इजाद कर दी, फिजिकल डिस्टेंसिंग है। लेकिन कितनी तकलीफ दे, तो प्यार करने वालों की हालत सोचिए ना। आइए सामने आइए, मिलके मदद कीजिए। और रेहान भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आप से शुरुआत कीजिए, और मुझे पूरा यकीन है कि आपका साथ चलने वाले बहुत करने के लिए। तो जितने भी साथी अगर इस कॉज में बिलीव करते हैं तो lovecommandos.org पे जाके आप डोनेट का बटन दे सकते हैं, $1, $5, $10, $100, जो हेलो, आपका दिल करे वो आप डोनेट कर सकते हैं इनको, इनके कॉज के लिए। जी संजय भाई, आवाज आ रही है? जी संजय भाई, आवाज आ रही है? हेलो, जी संजय भाई, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बढ़िया आ रही है, हेडफोन से ज्यादा अच्छी आ रही है, पहले से ज्यादा अच्छी हेलो आवाज। रेहान भाई, क्या मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है कुछ नेटवर्क में परेशानी आई, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं। आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज सही आ रही है। तो मैं अपनी बात कह चुका हूं, मैं चाहता हूं कि आप अपना संदेश दे दें जो शायद बाकी लोग सुन रहे हैं, क्योंकि मुझ तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो आप लोगों ने, सबने संजय भाई को सुना, मैं इनसे मजीद बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर हो जाती है तो ज़रूर करूँगा। और पाकिस्तान में भी इसी कस्म के कुछ मसाइल हैं,
बहुत सारे, तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश भी करूंगा कि आप में से जो भी उन आशिकीन का हेल्प करना चाहते हो वो संजय भाई से कनेक्ट करें, उनसे सीखें कि आप लव कमांडोज की ब्रांच कैसे खोल सकते हैं अपने इलाके में। और हमारे यहाँ भी ऑनर किलिंग बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो चाहे पाकिस्तान से बाहर हो। मैं आपको दावत देता हूँ कि आप भी इनसे कनेक्ट करें, इनका इंटरव्यू करें, समझें। अगर बात समझ में आती है, दिल को लगती है, तो ज़रूर करें। आपको इनकी कॉज से इश्क होता है तो ज़रूर करें, नहीं होता कोई बात नहीं, दरगुजर कर दीजिए। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ संजय भाई ने आज टाइम निकाला, ही इज़ अ बिजी मैन। और आप सबसे अगेन गुजारिश है कि इनको कनेक्ट करें, इनके साथ अगर टाइम मांग सकते हैं टाइम मांगें, इंटरव्यू के लिए टाइम मांगें, जाके इनके साथ मिलकर आप भी अपने इलाके के अंदर खूब मोहब्बत बंटवाएं, हमारे मुल्कों के दरमियान में मोहब्बत बटे, और हमको जो भी लड़ाई है वो मोहब्बत के ताकत के जरिए उसको हम क्या कहते हैं कि दुश्मन से इतनी मोहब्बत कर लो कि वो दुश्मन ही ना रहे। तो बहरहाल अपना ख्याल कीजिएगा। संजय भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका हेडफोन जो है अब आवाज़ नहीं पहुंचा रहा है, इंशाल्लाह दोबारा कोशिश करेंगे बात करने की। अस्सलाम वालेकुम।